नमस्ते बच्चों, पांचवी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने स्वर और व्यंजन पढ़े थे। अभी उन स्वर और व्यंजन को मुंह के किस भाग से कहे जाते हैं वो आज हम लोग इस कक्षा में सीखने वाले हैं। तो आपके सामने एक आकृति दी गई है, तो इस आकृति में नाक, ओर, दांत, जीवा तथा कंठ आदि चित्र आपको यहाँ पे दिखाई दिए हैं। तो यहाँ पे नासिका, दंत्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ आदि प्रकार यहाँ पे दिए हैं। तो अभी नासिका के द्वारा कौन से वर्ण हमें सुनाई देते हैं या कौन से वर्ण हम बोलते हैं? अंग, अंग, न, 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 म तथा दंत से त, थ, द, ध, न। मूर्धन्य, मूर्धन्य यानी जो हमारा कठोर तालु होता है जिसे हम लोग जीवा जहाँ पे हमारी टच करती है ऊपर की ओर उसे कठोर तालु कहा जाता है। तो वहां पे आता है री, तो इस टाइप के वर्ग इसमें हमें बोले जाते हैं। तो दंतोष्ट, दंतोष्ट में जहाँ पे हमारी जीवा और दांत का उच्चारण होता है वहां पे आता है व, जहाँ पे हम लोग जीवा और दांतों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ओष्ट मतलब ओठों का और जीवा का जहाँ पे जहाँ जुड़ के जो शब्द बोले जाते हैं, जो अक्षर बोले जाते हैं वो है उ, उ, प, इस तरह के वर्ग यहाँ पे हमें पाए जाते हैं। वैसे ही और कंठ, इसमें ओ, औ मतलब क, ओ, औ, ये यहाँ पे ओठ और कंठ के द्वारा ये अक्षर हमें सुनाई देते हैं। उसी तरह से कंठ में क वर्ग वैसे अ, आ आदि प्रकार के। तो यहाँ पे वर्णों का उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कंठ ओ, आ, क, ख, ग, तालव्य में च, छ, ज, झ, य, श। उसी तरह से मूर्धन्य में मतलब जहां पे हमारी जीवा कलर तालु को टच करती है ट, ठ, ड, ढ, र, श। और जहाँ पे हम लोग दांतों का उपयोग करते हैं वहां पे त, थ, द, ध, न। और जहाँ पे हम लोग ओठों का उपयोग करके जो वर्ण हम लोग बोलते हैं वहां पे है प, ह, ब, भ, इस तरह से। और नासिका के द्वारा जो हमारे उच्चारण होते हैं अं, न, 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 म। तो बच्चों आपको भी इस तरह से सराव करना है कि हम लोग वर्णों का उच्चारण किस तरह से, कौन कौन से अपने चेहरे के स्थान से जो शब्द बोलते हैं उसका उच्चारण आपको बार बार करना है और उसे प्रैक्टिस करनी है। धन्यवाद बच्चों, आपको इस तरह से वर्णों का उच्चारण सीखना है और इस तालिका का सराव करना है। धन्यवाद।